उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर थाने ने एक ऐसे छात्री चोर को गिरफ्तार किया है जिसने अपने मालिक के साथ विश्वासघात कर उनके घर से 1.5 करोड़ के कीमती सामान पर हाथ साफ किया। पकड़े गए अभियुक्त अवधेश यादव से पुलिस को चोरी किए गए 75 लाख रुपए की कीमत के हीरे और सोने के 38 आभूषण बरामद हुए हैं। साथ ही 50 लाख के कैमरे के लेंस सहित एक लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मूल रूप से फैजाबाद यूपी के रहने वाले अवधेश यादव को पुलिस टीम ने हरिद्वार चिड़ियापुर के एक होटल से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने छात्री चोर को जेल भेज दिया है। 5 तारीख को एक चोरी की गई थी शाहीनबाग नाम की जगह में, इसमें उनके ओनर्स बाहर गए हुए थे और पीछे से इस चोरी को अंजाम दिया गया। जब ये घटना सामने आई थी इसमें लगभग 1.5 करोड़ के सामान की बरामदगी हुई है, 100% बरामदगी ऑलमोस्ट हो गई है। इसमें जब घटना स्थल पर निरीक्षण किया गया तो ये चीज़ सामने आई कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं परिचित है या वो उस एरिया को अच्छे से जानता है। इसके उपरांत इसमें एसओजी की टीम के साथ साथ कुछ सब इंस्पेक्टर्स को दूसरे थानों से भी बुलाकर लगाया गया और एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा जब वेरिफिकेशन किया गया और पूछताछ की गई तो ये सामने पुराने जितने लोग यहाँ से काम करके छोड़ के जा चुके थे उनके बारे में वेरीफाई किया तो एक की तरफ को एक अवधेश नाम के व्यक्ति पर शक हुआ कि इनका जो है प्रेजेंस यहाँ पर नहीं आ रहा था। तुरंत घटना के तुरंत बाद ये जिधर काम कर रहे थे वहाँ से भी गायब हो गए थे। तो तब इसके ऊपर इसको ढूंढने के लिए टीम ने कार्य किया और इसको 13 तारीख को हरिद्वार से गिरफ्तार किया और कुछ सामान इनके द्वारा बरामद करा दिया गया है। 1.5 करोड़ का सामान है जिसमें कि काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरा लेंसेज भी हैं और ज्वेलरी भी है जो ये और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है जो कि बरामद की गई है।